इस वीडियो में दोस्तों चार आईएमएससीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी जिंदगी से बिल्कुल गायब कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आईएमएससीटी का सिलेबस क्या है, आईएमएससीटी का पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या आईएमएससीटी क्लियर करने की, इसमें अच्छी रैंक आ जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आईएमएससीटी ऑल इंडिया रैंक वन लाने के बाद भी आप बर्बाद हो सकते हो, या ऑल इंडिया रैंक वन काफी है मर्चेंट में कामयाब होने के लिए। ये लास्ट का पार्ट जरूर देखना क्योंकि ये आपके धुएं उड़ा देगा और आपको बताएगा। जी हाँ, मैं प्रणीत मेहता मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर सेलिंग इन वर्ल्ड रेनाउंड शिपिंग कंपनी 14 साल के एक्सपीरियंस के साथ डायरेक्टर जेएमडीआर एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम ट्रिक्स टू क्रैक आईएमएससीटी एग्जाम, राइट, डोंट अंडर एस्टिमेट एप्टीट्यूड, इसको लेके चलो। 40 क्वेश्चन आते हैं 200 में से एप्टीट्यूड के, और बड़े स्कोरिंग आते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं। इंडिया बिग्स वेबसाइट पे जाओ और देखो, सीखने की कोशिश करो, अपने आप से करोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे, बहुत सारे डले हुए माध्यम से सीख जाओगे, एप्टीट्यूड को छोड़ना नहीं है। मैथ्स एंड फिजिक्स मैक्सिमम अटेंशन, ये वो टॉपिक्स है, 50-50 क्वेश्चन आते हैं और ये आपकी रैंक को नीचे लेके जाते हैं। यहां पर मामला टफ भी होता है, अटकाता भी है, टाइम मैनेजमेंट की बैंड में जाता है, छोड़ना नहीं है। 100 क्वेश्चन है, अगर इसको छोड़ा तो रैंक उठेगी नहीं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इंग्लिश जीके एप्टीट्यूड ये स्कोरिंग है, इजी है, फट आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ये मामला लेंदी खींचता है। तो ये स्कोरिंग है, इसमें तो स्कोर छोड़ना नहीं है, कंपटीशन में दोनों चीज जरूरी है। एक जगह जहां पर जितना स्कोर मिलता है ले लो, और एक जगह जहां पर स्कोर कम होता है छोड़ो नहीं, उसको भी ऊपर लेके जाओ। तो इन जगह पे तो आपको स्कोर छोड़ना नहीं है, लेके जाना ऊपर की तरफ, मैक्सिमम स्कोर करना है फटाफट। यहां पर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देते हुए बाकी बच्चे यहां पर जो एवरेज बच्चे वो अटक जाएंगे, फिजिक्स के नॉर्मल सवाल नहीं कर पाएंगे, फिजिक्स नहीं कर पाएंगे, मैथ्स नहीं कर पाएंगे। यहां पर जब तुम लेवल ऊपर लेके जाओगे, वेक्टर के सवाल बनाओगे, कैलकुलस के बनाओगे, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स फटाफट सॉल्व करोगे, फटाफट रैंक ऊपर। सो दोनों चीजें जरूरी हैं और दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स हैं, उसको अटेम्प्ट मारना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको आईएमएससीटी का एग्जाम कैसे होता है, किस तरह के यूजर इंटरफेस पर आपको पता होना चाहिए, आपको वो देखना है तो jmdacademy.com की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर इनकी मॉक टेस्ट सीरीज डली हुई है और वो बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म है जैसे कि आईएमएससीटी का टेस्ट होता है। आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा और आप वो टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज की जो कि मैंने पहले बात करी, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट पर चलेगा, यूजर इंटरफेस कैसा है, कैसे एग्जाम देने हैं, क्या क्या हम गलतियां करते हैं, वो सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो यस, फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक अच्छा आइडिया है। मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट पर जाइए, वहां पर एक आईएमएससीटी मॉक टेस्ट सीरीज का फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेज है, जहां पर 4 से 5 मॉक टेस्ट दे लेंगे, आप वो मॉक टेस्ट दीजिए और आपको वहां से भी आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे तैयारी करनी है। तो ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। पैटर्न ऑफ द एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट में करने होते हैं, एक एवरेज लेवल आता है फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, एप्टीट्यूड का, जीके का। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों 11th और 12th लेवल की आती है, एनसीईआरटी की, स्टेट बोर्ड लेवल की कह लो, आईसीएसई लेवल की कह लो, सीबीएसई लेवल की कह लो, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। समझ में आ गया? इंग्लिश के अगर 40 क्वेश्चन करना है तो एनडीए का पेपर उठाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा इस तरह के आते हैं, बस वो जरूरी है। उसके लिए आप एनडीए पाथफाइंडर लेना चाहते हो, कौन सी किताब से करना चाहते हो, आप प्लीज कीजिए, आपको पूरी अच्छे से आइडिया लग जाएगा। कॉपीड जनरल एप्टीट्यूड के लिए इंडिया बैक्स वेबसाइट पर चाहिए, और जीके के लिए करंट अफेयर थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, थोड़ा न्यूज देखिए, मोर देन सफिशिएंट, आप वहां पर स्कोर कर जाओगे। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी लेकर आ गए, इसलिए स्कोरिंग इज इंपॉर्टेंट, थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, गलतियां नहीं करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस मैंने आपके आगे फिर से बता दिया, जी हाँ, मैं रिपीट नहीं करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का बता दिया, इंग्लिश के लिए एनडीए सिलेबस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जनरल नॉलेज बता दी, और एप्टीट्यूड के लिए इंडिया बिग्स वेबसाइट बता दी। आगे बढ़ते हैं, इज आईएमएससीटी रैंक इनफ? जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। आप आईएमएससीटी की तैयारी करके ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आ गए और आप डीएनएस करना चाहते हो, बट लेकिन आपके पास कोई डीएनएस की स्पॉन्सरशिप है ही नहीं, गुड और बैड बताओ मुझे। आपने डीएनएस करना था, आपने ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आ गया, आईएमएससीटी में कोई डीएनएस की स्पॉन्सरशिप नहीं है, अब आप सोच रहे हो क्या करूं क्या ना करूं, वेरी बैड, अच्छी कंपनी यहां से निकल गई, वेरी बैड। ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आए, डीएनएस स्पॉन्सरशिप है, लेकिन किसी ऐसी कंपनी की है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता है, मैं काफी लो रे करता, राइट, लो रैंक करता हूं, टॉम की नहीं है, सिनर्जी की नहीं, एंग्लो की नहीं है, गुड और बैड? बैड। ऑफकोर्स मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए,
अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन कौन सी कंपनीज डीएनएस में रिकमेंड करता हूं, तो प्लीज मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल पर जाइए और डीएनएस के सारे वीडियोस देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कॉपीड दैट इज बैड, ऑल इंडिया रैंक वन है। आप बीएससी नॉटिकल साइंस आपका करने का मन, आप कहते हो डीएनएस नहीं करनी मुझे, बीएससी नॉटिकल साइंस ही करनी है, लेकिन आपने एक ऐसा कॉलेज ज्वाइन करा जहां पर प्लेसमेंट नहीं है। आपने बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करने की सोची लेकिन एक ऐसा कॉलेज ज्वाइन करा जहां पर प्लेसमेंट नहीं है। गुड और बैड? वेरी बैड। और इसलिए जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एक ऐसा केस जानता हूं जहां पर एक ऑल इंडिया रैंक वन इन आईएमसीटी गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ही हैड अ वेरी बैड इंटरव्यू, ही कुड नॉट ज्वाइन दैट शिपिंग कंपनी दैट ही वॉन्टेड। तो वंस अगेन पुट इन क्रॉस, आईएमसीटी पे फोकस रखना है, साथ साथ अच्छे कॉलेज पर फोकस रखना है, साथ साथ अगर डीएनएस करो स्पॉन्सरशिप पे फोकस रखना है। फोकस फोकस फोकस, तभी कामयाब बनोगे और मर्चेंट नेवी में एक अच्छा करियर चुन पाओगे। तो आईएमसीटी में एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी शिपिंग कंपनी में जाना है तो इंटरव्यू की तैयारी नहीं छोड़ सकते। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में जहां पर मैं फराज का इंटरव्यू ले रहा हूं और अभी वो टॉप नॉट शिपिंग कंपनी ज्वाइन करके बैठा है।